अगर आपकी स्किन डल और डिहाइड्रेटेड है तो शायद आपको एक टोनर की ज़रूरत है। मार्केट में बहुत सारे टोनर्स अवेलेबल है, पर अगर आप कन्फ्यूज है कि विच वन इज़ फॉर यू, तो क्यों ना आप अपने स्किन टाइप अनुसार घर पे बनाई हुई टोनर यूज़ करके देखें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे, खुश होंगे और शानदार होंगे। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे दो होममेड टोनर फॉर एवरी स्किन टाइप पीपल, बहुत ही सिंपल एंड इफेक्टिव। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टोनर बनाने के लिए हम लेंगे क्यूकम्बर। हमें चाहिए क्यूकम्बर का जूस, इसीलिए क्यूकम्बर को ब्लेंड करने के बाद इसी तरीके से इसका जूस निकालेंगे। इतनी गर्मी में क्यूकम्बर स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल है वो तो हम जानते हैं। ये टोनर बनेगा बहुत ही रिफ्रेशिंग और मुझे लगता है आपको ये टोनर बहुत ही पसंद आने वाली है। सो हम इस तरीके से जितना हो पाए उतना जूस अच्छे से निचोड़ लेंगे और फिर इसमें मिलाएंगे हम ग्रीन टी। गर्मी की वजह से स्किन में जितनी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हो गया रैशेस, पिंपल, एक्ने, फेस की पफीनेस, ये टोनर फेस पे अप्लाई करने के बाद वो सभी प्रॉब्लम 100% ठीक होने की चांसेस है, क्योंकि इसमें है ग्रीन टी और ग्रीन टी में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स बिल्कुल गायब हो जाएंगे। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा एलोवेरा जेल और दो विटामिन ई कैप्सूल। अच्छा, हम तो फेस वॉश करते हैं, फेस मास्क लगाते हैं, तो फिर टोनर की जरूरत क्यों? क्योंकि टोनर स्किन की पीएच बैलेंस करता है और अगर आपके फेस में ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो वो भी मिनिमाइज करता है ये टोनर। हाइड्रेशन लेवल को बूस्ट करता है और तो और स्किन को ब्राइट भी बनाती है, इसीलिए फेस वॉश, फेस मास्क यूज करने के साथ साथ आपके स्किन को एक टोनर की भी जरूरत है। सो यहाँ पे मेरा पहला टोनर बन चुका है। ये सभी स्किन टाइप के लोग यूज कर सकते हैं और इसको आप फ्रिज में एक हफ्ते के लिए आराम से रेफ्रिजरेट करके रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे टोनर की तरफ। ये टोनर स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए है। इसको बनाने के लिए हमने लिया है नीम पत्ते। अगर आपके फेस पे बहुत ही पिंपल और एक्ने होता है तो मेरी मानिए ये टोनर आपके लिए एक वरदान है। हमने यहाँ पे सारे पत्ते को इकट्ठा कर लिया है, अब हम इसको उबालेंगे। आपको इसको तब तक उबालना है जब तक पत्ते की पूरी एसेंस पानी में ना आ जाए। हम फेस में नीम लीव्स पाउडर फेस पैक की तरह लगाते हैं, तो क्यों ना हम उसी नीम के पत्तों से टोनर बनाएं। तो हमारा नीम वाटर यहाँ पे रेडी हो चुका है। आपको पता है ये टोनर मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि ये इतना लाइट वेट है और इतने सिंपल चीजों से बनी है। तो अब ये नीम वाटर को ठंडा होने के लिए थोड़ी देर ऐसे ही रखेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा रोजमेरी ऑयल, और अगर आपके पास रोजमेरी ऑयल नहीं है तो आप इसकी जगह टी ट्री ऑयल भी डाल सकते हैं। रोजमेरी ऑयल स्किन में रेडियंस प्रोवाइड करता है, सो इसके अप्लाई करने से आपकी स्किन तुरंत ग्लोइंग दिखेगी। मैंने यहाँ पे बस 3 ड्रॉप्स ही ऐड किया है। जब भी बात आती है एसेंशियल ऑयल की तो बहुत ही लिटिल अमाउंट में इसका यूज़ करना पड़ता है। अब हम इसको बहुत ही अच्छे से नीम वाटर के साथ मिक्स करेंगे और इसी मिक्सचर में अब हम ऐड करेंगे 1 चम्मच रोज़ वाटर। रोज़ वाटर डिस्टिल्ड होती है और स्किन में एक नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। यहाँ पे बनके तैयार हो चुकी है हमारा टोनर। अब इसको एक एम्प्टी स्प्रे बॉटल में डाल के आपको रेफ्रिजरेट करनी है। दिखने में कितनी अमेजिंग लग रहा है ना? अब चलिए इसको अप्लाई करते हैं, पर उससे पहले ज़रूरी है फेस को क्लीन करना। फेस वॉश करने के लिए मैंने यहाँ पे एक मास्क बनाई है। हम लेंगे 2 चम्मच राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा और उसको मिक्स करने के लिए दही। आप राइस फ्लावर की जगह बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। बेसन स्किन को अंदर से क्लीन करता है, पर अगर आप चाहते हैं कि क्लीनिंग के साथ साथ स्किन ब्राइट भी दिखे तो आप ये फेस मास्क ज़रूर लगाएं, क्योंकि राइस फ्लावर में है ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़। और जैसे कि मैंने यहाँ पे इसके साथ मिलाई है दही, इसके अप्लाई करने से स्किन के किसी भी दाग धब्बे बिल्कुल फेड हो जाएगा। ये फेस मास्क बहुत ही अच्छे से पूरे फेस में आपको लगाना है। 20 मिनट्स के बाद आप फेस को वॉश कर लेना और फिर लगाना है ये टोनर। एक बात जरूर ध्यान रखना, टोनर ऑलवेज स्किन में 5 to 6 inches डिस्टेंस से ही अप्लाई करनी होती है। ऐसा करने से ये स्किन में बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाता है। नेक्स्ट मैं ये क्यूकम्बर टोनर हाथों में अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। बहुत ही जेंटली इसको अप्लाई करनी होती है और अगर आप चाहे तो इसे फ्रिज में बिल्कुल 1-2 हफ्ते के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कौन सा वाला आपको ज्यादा पसंद आई है। सो इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। बाय।